हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण और गुड न्यूज़ के बारे में, जो कि है एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में। जो कि गवर्नमेंट जॉब कहाँ से है, ये है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर से। इसमें ये जो गवर्नमेंट जॉब है, इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसके अंदर जो अप्लाई कर सकते हैं वो है आईटीआई वाले भी कर सकते हैं, बीटेक वाले भी कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को और सारी डिटेल्स हम जानते हैं। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पे टेक्निकल जो असिस्टेंट है, यहाँ पे बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट अपन देख लेते हैं। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की पोस्ट है, यहाँ पे सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर है और कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंदर है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के अंदर है, केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर है। तो ये जो है बीटेक वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब की तरफ जो अपने काम के हैं वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे फिर है सीनियर टेक्नीशियन। इस सीनियर टेक्नीशियन के अंदर कौन अप्लाई कर सकता है, जो आईटीआई और डिप्लोमा वाले हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट कौन, यहाँ पे है आपके सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पे पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर है यहाँ पे, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पे पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग यहाँ पे पोस्ट है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की यहाँ पे पोस्ट है और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की यहाँ पे पोस्ट है। फिर अब बात करते हैं आईटीआई लेवल पे कौन कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पे है टेक्नीशियन की पोस्ट, यहाँ पे आईटीआई लेवल के लिए है। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री। ये जो सारी पोस्ट हैं ये आपके आईटी लेवल पे पोस्ट हैं। अब अपन बढ़ते हैं इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इसकी और भी डिटेल आपको चेक करनी है, तो आप ये जो लिंक है, मैं ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा लिंक, जिसके थ्रू आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हो। और इस लिंक पर आपको क्लिक करके, इस लिंक पे आप क्लिक करके और भी इसके बारे में आप डिटेल्स के अंदर जानकारी ले सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इनमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी पोस्ट है। फुल डिटेल्स आप यहाँ इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। और सिलेबस के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करके इसका सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो उसके लिए आपको ओबीसी के अंदर आपको 3 साल, एससी एसटी के अंदर आपको 5 साल का यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग डेट जो बात करते हैं अपन, इसकी स्टार्टिंग डेट है 1 फरवरी 2023 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो एंडिंग, जो फॉर्म जो एंड होंगे या लास्ट डेट जो है वो है 1 मार्च 2023, यानी कि आप 1 फरवरी से आप 1 मार्च 2023 तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि अभी भी आपके पास बहुत सारे टाइम बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो जो पोस्ट आपको बताई हैं, अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो आप इस जगह आप यहाँ पे फॉर्म अवश्य फिल करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लेने की कोशिश करें। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वैकेंसी के बारे में आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आप उनको भी इस प्रकार का नॉलेज मिल सके और वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।